السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد ما الله تعالى يا التقدير التقديس اللغون والرزق किसी को मालदार बनाया तो किसी को गरीब रखा मालदारों को इस बात का हुक्म दिया कि वो गरीबों पे खर्च करें फ़ीरों का ख्याल रखें मोहताजों की हाजतों को पूरा करते रहें मुजहदरीन नबी करीम सलाम और साहबा ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो मक्का से पहुँचने वाले महाजरीन साहबा बिल्कुल खाली हाथ थे तो अंसार ने ऐसे मदद के नजराने पेश किए कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया पेश करने से कासिर है उन लोगों ने अपने माल को अपनी जायदादों को तक अपने साथियों के साथ मुहाजिर भाइयों के साथ बांट दिया जो जो तरीक़े उन लोगों ने अपने भाइयों की मदद के लिए अपनाए उसमें से एक तरीक़ा उसमें से एक अंदाज़ बड़ा ही अनोखा अंदाज़ मनिहा का था मनीहा का मतलब ये है कि जैसे किसी के पास कोई बाग हो तो उसमें से कोई एक दरख्त दो दरख्त या कुछ दरख्त किसी के नाम कर दे कि तुम इसके फल इस्तेमाल कर लो जब तक तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना हो जाए इस पर जो भी फल लगेगा वो तुम्हारा है या किसी के पास कोई दूध देने वाली ऊँटनी हो दूध देने वाला जानवर हो वो उसने उठा कर के किसी गरीब को दे दिया कि तुम इस ऊँटनी को इस जानवर को अपने पास रखो और जब तक ये दूध देती रहे जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तुम इसको इस्तेमाल करते रहो जब ज़रूरत पूरी हो जाए जब अल्लाह तुम्हें बेनयाज कर दे तब वापस आ जाए ये तरीक़ा साहबा कराम ने इख्तियार किया था और नबी करीम साम को भी साहबा आकर के इसी कस्म से खजूर के दरख्त आपके नाम कर देते थे कि आप इन खजूर के दरख्तों का इस्तेमाल करते रहें यानी ये न मुकम्मल वक्फ़ की शक्ल है न मुकम्मल सदका है बल्कि एक ऐसी दरमिया चीज़ है कि जिसके लिए बड़ी आसानी से हर मालदार तैयार हो सकता है और हर हाजतमंद की हाजत पूरी हो सकती है यानी आपने कोई जानवर अपनी मिलकियत पे रखा गरीब के हवाले आपने किया उसको मालिक नहीं बनाया उसको आपने दे नहीं दिया बल्कि इस्तेमाल के लिए दिया कि उसको इस्तेमाल करता रहे उसको इस्तेमाल करता रहे जब तक उसकी जरूरत है उसको इस्तेमाल वो करता रहे उस पर सवारी करे उसका दूध पिए उसको अपने मुख्तल कामों में इस्तेमाल कर लिए उसके अपने बात उसके अपने जरूरत की बात थी इसकी इजाजत नबी करीमला तो सलाम ने दी थी तो आप अल्लाह ने आपको दिया है तो आप उस चीज़ के मालिक भी हैं और गरीब उससे फ़ायदा भी उठा रहा है तो इससे एक इत्मीनान आपको है कि आपकी चीज़ आपके पास है और एक ख़ुशी आपको है कि गरीब उससे मुस्तफीद भी हो रहा है मदरीन अबू अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सलासलाम ने फरमाया सही बुखारी की हदीस है नी हतुलख़ी सफी मनीहतन

ये बड़ी अच्छी बात है तकदू बिना व तरूह बिना सुबह सुबह तुम्हें एक प्याला दूध मिल जाए शाम एक प्याला दूध मिल जाए ये बड़ी खुशी की बात है ये बड़ी नेकी की बात है कि आप इस किस्म के सदक व खैरत का काम करें इस किस्म के सदक व खैरत के आप एक बेहतर तौर पर कोशिश करें और मजा सहाजरीन बरएन आज रजी अल्लाह तआला तैन की एक रिवायत में आता है जिसको इमाम तिर्मिज़ी ने बयान किया मन मनह हदा कान लहु मनीहरकदा खन खानबा इसमें फरमाते हैं भी करीबर इसरत वसलाम कि अगर कोई आदमी कोई दूध वाली दूध वाले जानवर को किसी के मनीह के तौर पर दे दे या कुछ चांदी सोना पैसा उसको दे दे वो उसका इस्तेमाल कर ले उसके लिए ये एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है तो मजहरीन इस सुन्नत को जिंदा करने की ज़रूरत है हो सकता है आपके पड़ोस में आपके रिश्तेदारों में कोई घर का मोहताज हो आप उसे अपना घर दे दें इस्तेमाल करता रहे जब उसके पास सहूलत हो जाए तो वह अपना घर आपको वापस कर दे आपके पास कोई सवारी जायद हो दो पहिए वाली हो चार पहिए वाली हो आप किसी गरीब को दे दें ताकि वो उसको इस्तेमाल करता रहे और जब इस्तेमाल की ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसके बाद उसे वापस कर दे या इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कंप्यूटर हो कोई स्टूडेंट है इस्तेमाल करना चाहता है लैपटॉप हो आप उसे दे दें ताकि वो इस्तेमाल करे फिर ज़रूरत मुकम्मल होने पर आपको वापस कर दे या आपके पास कोई सेविंग मशीन हो तो आप वो मशीन उसको दे दें ताकि वो उसको इस्तेमाल करें फिर इस्तेमाल करने के बाद जब जरूरत पूरी हो जाए तो आप उसको वापस कर दें तो मजर ये सुन्नत की कमी है इस सुन्नत पर अमल की कमी है वजह यह है कि अक्सर लोगों को पता नहीं है कि यह भी एक सदक्य खैरात का ज़रिया है यह भी सदक्य खैरात का ज़रिया लोगों को पता नहीं है तो मजद्रीन अपने पास जायद ज़रूरत की जो चीज़ें होंगी आप दूसरों को इस्तेमाल के लिए दे आप दे दें तो ये बड़ी अच्छी बात है न दे तो कम से कम इस्तेमाल के लिए दे फिर आपको वापस लौट के आएगी बस रिवायात में आता है सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमें जायद चीजों के सदक व खैरात का इतना हुक्म दिया करते थे इतना हमें उभारा करते थे कि हमें ऐसे लगने लगा कि जो भी हमारी जरूरत से जायद चीज हमारे पास है हमें ऐसे लगने लगा कि गोया उस पर कोई हमारा हक़ ही नहीं है कोई हक़ ही नहीं है बल्कि नबी करीम सलाम ने हिजरत के इब्तई दिनों में जब अंसारियों को देखा मदीने में खेती बाड़ी का रिवाज आम था लोगों के पास ज़मीनें थीं, लोग उसको दूसरों को दिया करते थे पैसों के बदले में या खेती के बदले में अल्लाह के नबी आ सलाम ने इसी मनीहे पर उभारते हुए कहा मनका नत लहू अर्दरा ओलियम नह अखा कि जिस किसी के पास कोई जायद जमीन हो तो खुद खेती बाड़ी करे या अपने किसी भाई को मनीहे के तौर पर दे दे कि तुम इस्तेमाल कर लो जरूरत पूरी होने पर मुझे वापस कर देना तो मौजा सा ये हमें तालीम हदीफे ये देती हैं कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है आपके पास कोई आला है आपके पास कोई चीज़ है जिससे कोई इस्तेफादा किया जा सकता है जिससे कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो आपके पास वो जायद हो आप किसी को दे सकते हो तो दे दें उसको उसकी जरूरत को पूरा करें फिर वापस आप ही के पास लौट के आएगी तो मस्जिद साजरीन इस मनीहे की सुन्नत को जिंदा करने की ज़रूरत है जिस किसी के पास जो भी जायद चीज़ हो अपने मुसलमान भाइयों का रिश्तेदारों का पड़ोसियों का उम्मत मुसलिमा के महताजों का खास तौर पर आप लोग ख्याल रखें खास तौर पर आप लोग ख्याल रखें जायद चीज़ों को इस्तेमाल के लिए देते जाएँ ताकि वह भी फ़ायदा उठा सके उसकी ज़रूरत पूरी हो और आपके हक़ हाँ में अजर सवाब लिखा जाए एक अजीम सुन्नत है एक बेहतरीन तरीक़ा है एक अनोखा अंदाज़ है जुनबी ये करीम रहे तो म के साहबा ने अपनाया था अल्लाह ताली से दुआ है कि सुन्नत को हमें अपनाने की तोफ़ी नसीब फ़रमाए और अल्लाह अल्लाह तल्ला उम्मत के लोगों को उम्मत के मालदारों के दिलों में गरीबों के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा खैरत करने और उनके ज़रूरतों का ख्याल रखने का इरादा उनके दिलों में पैदा कराए कराएम उनके दिलों में पैदा कराए और अल्लाह तन उनको तोफ़ी अता फ़रमाए आमीन व अलैहि वसल्लम अला नबीना व्ला वसल नबीन महमद वाल वसाब अज़माइन वसलम आलकमल वबरक